हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के यूनिट 6 प्रोजेक्ट सिलेक्शन फॉर्मुलेशन एंड अप्रेजल के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट्स को हम अगर देखें तो इस चैप्टर में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो आता है वो है आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट होता क्या है और एक्चुअल में प्रोजेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे तो उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट से तात्पर्य कैपिटल इन्वेस्टमेंट के किसी भी ऐसे अपॉर्चुनिटी से है जिसमें प्रॉफिट गेन की पॉसिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड हो। प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर के लिए न्यू इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा सुनहरा अपॉर्चुनिटी है जिसमें प्रॉफिट की संभावनाओं या पॉसिबिलिटीज़ का प्रिडिक्शन या एस्टीमेशन कर लिया जाता है। डेविड क्लिंटन और फीफी के अनुसार प्रोजेक्ट से आशय किसी भी नए एंटरप्राइजेस की एस्टेब्लिशमेंट करना अथवा प्रेजेंट प्रोडक्ट में किसी भी नए आइटम्स को जोड़ना एक प्रोजेक्ट एक मशीन अथवा एक संपूर्ण एंटरप्राइजेस से संबंधित हो सकती है। तो ये एक डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अगर हम कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें न्यू प्रोडक्ट हम ऐड करके अगर हम उसे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या फिर नए मशीन्स ला रहे हैं या नए प्रोजेक्ट्स हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपने ग्रुप में तो उस अपने एंटरप्राइजेस में तो वो उसके लिए जो भी हम प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं या प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आता है। जिससे हम क्या करते हैं एक प्रिडिक्शन निकालते हैं कि हम अगर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं या इस प्रोडक्ट को न्यू लॉन्च करते हैं तो हमें अपना प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बेसिस में हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स की जो नेसेसिटी है और इसके करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला जो है वो है इनडेप्थ ऑब्जर्वेशन। इसमें हम इनडेप्थ ऑब्जर्वेशन करना माने प्रोजेक्ट्स के बारे में हम क्या करते हैं इनडेप्थ एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करते हैं। एंड हम ये सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो लॉन्ग टर्म चले ना कि शॉर्ट टर्म हो और जिससे हम बेस्ट अपना प्रॉफिट गेन कर सकें और हमारा जो प्रोजेक्ट्स है वो क्या कर सके एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट साबित हो। उसके साथ है उद्देश्यात्मक माने ऑब्जेक्टिविटी। तो इसको हम अगर क्लियरली देखें तो क्या है प्रोजेक्ट निर्माण एक शुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यावसायिक मान्यताओं एवं सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ना कि भावनात्मक आवेगों अथवा मानसिक दशाओं पर आधारित होना चाहिए। परियोजना संबंधित तथ्यों और सूचनाओं का विश्लेषण वैज्ञानिक आधारों पर होना चाहिए ना कि पूर्वग्रह परंपराओं और अंतर्ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। मैंने जो आपका जो प्रोजेक्ट सिलेक्शंस जो है या प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं तो ना कि वो आपको इमोशनली और ना ही आपको किसी प्रकार के मेंटल प्रेशर में लेकर ये डिसीजन लेना है कि आपको इस प्रोजेक्ट को करना ही है और ना ही आपको इसको कोई भी ट्रेडिशनल और किसी प्रकार के इंटरनल फीलिंग की वजह से आपको इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करना है। आपको इसको अगर एज ए बिजनेस पर्पज़ पे अगर सक्सेसफुली ऑपरेट करना है तो आपको डिफरेंट एनालिसिस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स के आधार पर आपको क्या करने पड़ेंगे इस प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए आपको स्टडी करना होगा। उसके पास है निष्पक्षता माने इम्पार्शियलिटी। तो परियोजना के प्रत्येक पहलू को बिना किसी पूर्वग्रह के निष्पक्ष रूप से जांच के अंतर्गत शामिल करना चाहिए ताकि किसी समूह अथवा वर्ग के विचारधारा का प्रभाव निर्णय पर ना पड़ सके। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार के हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है, हमें एक न्यूट्रल वे में एक सुपरवाइज करते हुए हमें क्या करना है डिसीजन लेना है ताकि किसी भी पर्टिकुलर
ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को इससे प्रॉब्लम ना हो हमें वैसे स्टडी करना। देन फोर्थ है फिजिबिलिटी ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हम टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड डेटाज एंड डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं और उन्हें एक प्रोजेक्ट ग्रुप में ऐड करते हुए हम क्या करते हैं कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशंस वगैरह को हम करते हैं। देन उसके बाद है फाइनेंशियल सेल्फ सफिशियंसी। फाइनेंशियल जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो क्या ऐसे काम करेगी, इसीलिए हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर आपके पास कैपिटल और पूंजी निवेश जो है वो क्या है आपका बिजनेस का या फिर इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा बैकबोन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं ब्लड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी आपके बिजनेस में लाइफ बनी रहेगी। अगर ब्लड नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। तो इसी के लिए है अगर आपके पास पर्याप्त फाइनेंस सुविधाएं हैं या फिर आप अरेंज कर सकते हैं बाय लोन या फिर बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो ये आपके बिजनेस को एक नया लेवल तक पहुंचाएगा। देन उसके बाद लीगल सिस्टम, आपको हर प्रकार के लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको कंप्लीट करने हैं समय समय पर। देन सेवन्थ है आपको ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, आपको ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप करना है एंड ताकि आप समय पर उन पर क्या कर सकें ऑब्जर्वेशन कर सकें और उन पर निरीक्षण कर सकें। देन उसके बाद रिस्क एनालिसिस, आपको ये भी कैलकुलेट करना है कि आने वाले भविष्य में आपको कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और कितना बड़ा रिस्क आप अभी ले रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है आपको स्टडी करना है। देन उसके बाद सोशल यूटिलिटी, आपका जो प्रोडक्ट है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो किस प्रकार से सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकता है और कैसे उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पे प्रोडक्ट कर सकते हैं, आप कैसे सोसाइटी तक अपने सामान पहुंचाएंगे, इसके बारे में भी आपको क्या करना है एक प्रोजेक्ट में आपको एक रिपोर्ट बनानी है, एक प्रोजेक्ट आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद ग्रुप वर्क, इंटरप्राइजेस चलाना या फिर किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस प्लानिंग को, अगर आप बिजनेस को आप चला रहे हैं तो एक सिंगल वे नहीं हो सकता, उसमें आपको ग्रुप्स ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ती है जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं और उसी के बेसिस पे ही आप अपने बिजनेस को या अपने इंटरप्राइजेस को चला सकते हैं। तो आपको एक वर्क ग्रुप आपको बनाना जरूरी है और उन दोनों वर्क इन सभी वर्क ग्रुप के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी होता है। देन उसके बाद कार्य योजना, वर्क प्लान, तो परियोजना के निर्माण के साथ ही उसके कार्यान्वयन की एक विस्तृत योजना का निर्माण कर लेना चाहिए ताकि समयबद्धता के साथ आवश्यक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो आपको हर चीज़ पे अगर आपको कर रहे हैं तो आपको वर्क प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा कि आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने समय में इतना प्रोडक्शन करना है, इतना प्रॉफिट गेन करना है, तभी आप क्या कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर देंगे लॉस पे चले जाएंगे। तो ये 11 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोजेक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेसेसिटीज़ को हम समझते हैं और यही मेन पॉइंट्स हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन हम मेन 11 इसी पॉइंट्स पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स बनाने से क्या क्या आपको करेक्टरिस्टिक्स और आपको नेसेसिटीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन 11 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।